नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान टीम का भारत आना टला, संकट में धर्मशाला मैच। पाकिस्तान की विश्व T20 टीम की भारत रवानगी एक बार फिर टल गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा कि टीम की भारत रवानगी पर गृह मंत्रालय फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान भारत में मौजूद सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल की जानकारी का अध्ययन करने के बाद हमें भविष्य की योजनाओं और टीम की रवानगी के बारे में जानकारी देंगे। पाकिस्तान की टीम को बुधवार दोपहर लाहौर से नई दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने पुष्टि की है कि उन्हें कहा गया है कि इस योजना को अभी स्थगित रखा गया है। बोर्ड के एक अन्य अधिकारी ने पुष्टि की कि शहरयार ने गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करने के बाद भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सूचना दी है कि पाकिस्तान सरकार ने टीम को धर्मशाला में न खेलने की सलाह दी है। चीनी ट्रकों पर उत्तर कोरिया ने लगाई तोप। उत्तर कोरिया चीन में बने ट्रकों का इस्तेमाल तोप प्रणाली के लिए कर रहा है। यह खुलासा मीडिया में आई रिपोर्ट्स और तस्वीरों के जरिए हुआ है। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया का बहुउद्देशीय रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अमेरिका और दक्षिण कोरिया के हथियारों की सीमा के बाहर काम करने में सक्षम हो सकता है। उत्तर कोरिया की मीडिया में छपी तस्वीरों में देखा गया है कि इन MRLS को चीन में बनी सिनो ट्रक होवो के ऊपर लगाया गया है। उत्तर कोरिया में इन ट्रकों का बड़े पैमाने पर व्यवसायिक तथा खनन कार्यों में इस्तेमाल होता है। इस बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि उनके देश के पास ऐसे छोटे परमाणु बम भी है जो बैलिस्टिक मिसाइलों में लग सकते हैं। भाजपा विधायक बोली, कन्हैया की मां ने लोरी में नहीं सुनाई देशभक्ति। भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि कन्हैया की मां ने लोरी में देशभक्ति नहीं सुनाई। उषा ठाकुर ने महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोई व्यक्ति यदि आतंकवादी, नक्सलवादी और देशद्रोही बनता है तो उसके लिए उसकी मां जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि देशद्रोही नारे लगाने वाले JNU के कन्हैया जैसे लोगों के लिए भी उनकी मां जिम्मेदार है। कन्हैया की मां ने उसे लोरी में देशभक्ति नहीं सिखाई। भाजपा विधायक ने कहा कि संस्कारों, ज्ञान के अभाव और परवरिश में कमी के कारण देशभक्त की जगह ऐसे लोग देशद्रोही बन जाते हैं।